राष्ट्र का प्रतीक तिरंगे का हुआ अपमान। अंधेरे में रात भर फहराता रहा तिरंगा। तिरंगे के इस अपमान पर क्या प्रशासन करेगा कोई कार्रवाई? जिस देश को आजाद कराने के लिए तमाम जवान शहीद हो गए, अपनी जान की बाजी लगाकर हमें देश की आजादी दिलाई तथा तिरंगे का सम्मान बचाया, उसी तिरंगे का गोंडा में धड़ल्ले के साथ उड़ाई गई है धज्जियां। आपको बता दें कि यह मामला जनपद गोंडा शिक्षा क्षेत्र झाझरी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बनवरिया का है, जहां पर तिरंगा 7 बजे रात तक फहराता रहा, परंतु किसी ने तिरंगे का सम्मान नहीं किया। जबकि नियमानुसार ध्वजारोहण के बाद सूर्यास्त के पहले सम्मान पूर्वक तिरंगे को उतार लेना चाहिए, परंतु बनवरिया की प्रधानाचार्य श्वेता मिश्रा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूछने पर पता चला कि वो ध्वज फहराकर चली गई थी, उतारने के लिए नहीं आई। रसोईया के द्वारा रात लगभग 7 बजे को राष्ट्रीय ध्वज उतारा गया। यही हाल देहात कोतवाली के समीप शहर के बीचों बीच स्थित लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल का था, जहां पर पूरी रात ध्वज अंधेरे में फहराता रहा। जब इस संबंध में विद्यालय प्रबंधक अनीता श्रीवास्तव से जानकारी ली गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हां, हमारे विद्यालय में पूरी रात झंडा लगा रहा। सुबह विद्यालय खुलने के टाइम पर झंडा उतारा गया। अब देखना यह है कि जिस ध्वज के लिए सैकड़ों जवान शहीद हो गए तथा जिसके सम्मान को बचाने के लिए संविधान रचा गया, उसी ध्वज का अपमान हुआ। जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग सम्मान तिरंगे को सलामी देते हैं। देखना यह है कि प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है या फिर वो भी तिरंगे का सम्मान भूल जाता है। तो ये थी इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट।